हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं छठ घाट और हम अभी बिहार के भोजपुर ज़िला में हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप निकलेंगे तो आपको यहाँ पे रोड पे कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप छठ घाट के आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको ज़्यादा मिलने लगेंगे। तभी हम चल रहे धीरे धीरे, आगे और लोग भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यही खासियत है कि जो यहाँ रोड है उसको साफ़ सफाई करके, झाड़ू लगा के और अच्छे डिजाइन से बनाते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और लाइटिंग भी यहाँ पे रात को कर रखे हैं। ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे है, तो जब उधर से आएंगे तो आप दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे पूरे रोड को इसी प्रकार सजाया हुआ है। अभी आगे कुछ लोग जा रहे हैं और बहुत से लोग आगे चले गए हैं, और अभी पीछे से भी बहुत से लोग आ रहे हैं, तो आप पीछे देखेंगे। और यहाँ पे तो ये खासियत है बिहार का, ये महापर्व छठ पर्व है। तो हम अभी चलते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा लिखा हुआ हैप्पी छठ पूजा। तो चलते हैं, मुख्य सड़क है और ये घाट पे जाने के लिए अलग से समिति द्वारा बनाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर अलग अलग कलर द्वारा लाइनिंग किया गया है। हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पर घाट अब आने वाला है। तो सामने जो है मेन, जो हम सामने नदी पड़ेगा तो वो सोन नदी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सामने कुछ पानी पानी सा नज़र आने लगा यहाँ पे। तो चल रहे हैं, तो हम आ गए हैं घाट पे और यहाँ पे बाजा, अलग अलग जो मन्नत मान रखे हैं तो उनको बाजा के साथ यहाँ पे छठ पर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग समूह में लोग बैठे हुए देख सकते हैं। इधर सोन ऊपर, गन्ना, यहाँ पे ऐसे नदी है, लोग सूरज डूबने का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा, यहाँ पर इतना शोर हो रहा है। तो देखते हैं, ये जो है सोन नदी है और यहाँ पे जो है लोग दो तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो सामने की तरफ देखने को मिलेंगे जो कि उस साइड के जो गांव है वहाँ से दूर से आए हुए हैं। ये अलग अलग घाट में जो है यहाँ पे लोग आ गए हैं और कई लोग जो हैं अभी पानी में, मतलब सूर्य देवता को जल में खड़ा होकर याद कर रहे हैं और उनको डूबने का इंतजार कर रहे हैं। ये जो सामने उस पार देख रहे हैं वो दूसरे गांव के आए हुए हैं, और वो दोनों तरफ आपको भीड़ देखने को मिल जाएगा। तो अभी आगे हम चल रहे हैं और इधर की साइड भी लोग आगे की तरफ हैं और सूरज जो अभी डूबे नहीं है। फल है अलग अलग दौरा में और सूप में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर अर्घ देने भी लगे हैं सूर्य देव को। यहाँ पर मतलब सूर्य देव अभी आसमान में तो दिख रहे हैं, लेकिन अभी लोग अर्घ दे रहे हैं और अर्घ दे के तो फिर जाएंगे घर पे अपने, और फिर कल सुबह आएंगे। ये कई लोग अभी सूर्य देवता को नमस्कार कर रहे हैं। तो आवाज़ है तो ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, तो आगे चलते हैं। शाम हो गया है और यहाँ पे लोग जो है सांझ हो रही है, तो लोग अब जल से बाहर निकल कर सूर्य देव को यहाँ पर अर्घ देने की कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी अर्घ दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा फल का अर्घ दे रहे हैं दो तीन लोग, और ये सूर्य देव यहाँ पे डूब रहे हैं। लोग यहाँ पे अब शाम हो गई है, तो लोग अर्घ देकर दौरा माथे पर लेकर चल रहे हैं लोग अब। तो लोग अर्घ दे दिए और लोग चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूरा सोन नदी है, यहाँ पे पहले पूरा पानी पानी था, लेकिन
पर्यावरण और डैम के कारण यहाँ पे पूरा नदी जो है सूख गया है। और तो हमें बीच पानी के लिए बीच में जाना पड़ रहा है। तो अभी लोग हम चल दिए घर की ओर। कल यहाँ पर सुबह फिर आना हुआ सूर्योदय से पहले। पानी में खड़े होके जैसे ही सूर्य उदय होगा तो ऐसे ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद ये पूजा संपन्न होगा। तो सूर्य उदय का इंतजार करते हुए सभी लोग और यहाँ पे दूर दूर तक, हाँ तो जिसका हम इंतजार कर रहे तो वो समय आ गया है और सूर्य उदय यहाँ पे हो गया है। लोग अब अर्घ देने के लिए जल से बाहर आ रहे हैं और अब अर्घ दिया जाएगा। तो हम आगे चलते हैं और देखेंगे। तो यहाँ पे अर्घ देने की तैयारी होने लगी है।